हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडिया के 6 सबसे अमीर मुस्लिम, जिनकी दौलत हज़ारों करोड़ में है। इनको मिला दिया जाए तो इनकी दौलत कई छोटे मुल्कों की कुल जीडीपी के बराबर है और इनका शुमार दुनिया के अमीर लोगों में होता है। आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि वक्त पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद अशरफ, आप देख रहे हैं फैक्ट विद आज़मी। लेट्स बिगिन। नंबर 6, डॉक्टर शमशीर व्यालिल। ये एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और यूएई बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन हैं। ये इंडिया के 6ठे सबसे अमीर मुस्लिम हैं और इंडिया के सबसे अमीर डॉक्टरों में से एक हैं। ये वीपीएस हेल्थ केयर ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इनके पूरी दुनिया में हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा ये अमानत होल्डिंग्स के भी चेयरमैन हैं और ये लूलू ग्रुप के मालिक एमए यूसुफ अली के दामाद भी हैं। इनकी कुल दौलत है 7,400 करोड़ इंडियन रुपीज़। नंबर 5, एमपी अहमद। ये एक ज्वेलर हैं। इनके पूरी दुनिया में ज्वेलरी शोरूम हैं और ये इंडिया के दूसरे सबसे अमीर ज्वेलर हैं और 5वें सबसे अमीर मुस्लिम हैं। इनकी कंपनी का नाम है मालाबार ज्वेलर्स। इनकी कुल दौलत है लगभग 8,000 करोड़ इंडियन रुपीज़। नंबर 4, डॉक्टर आज़ाद मुपिन। ये भी यूएई बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन हैं और इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक हैं और ये इंडिया के 4थे सबसे अमीर मुस्लिम हैं। इनको कई अवार्ड मिल चुका है। इनके पूरी दुनिया में हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज़ हैं अस्टर हेल्थ केयर के नाम से। जो लोग अरब में रहते हैं अस्टर हेल्थ केयर को ज़रूर जानते होंगे। इनके पूरी दुनिया में कुल 377 क्लिनिक और हॉस्पिटल्स चलते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी में से एक लेबोरेटरी इनके पास है। इनकी कुल दौलत है 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ और ये इंडिया के सबसे अमीर डॉक्टर हैं। नंबर 3, यूसुफ के हमीद। ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। ये इंडिया के 3रे सबसे अमीर मुस्लिम हैं। इनकी कंपनी का नाम है सिप्ला लिमिटेड, जो मेडिसिन बनाती है और इंडिया की सबसे भरोसेमंद मेडिसिन कंपनी का अवार्ड भी मिल चुका है। एचआईवी एड्स का शुरुआती इलाज इन्होंने ढूंढा और सबसे सस्ते रेट पर दुनिया में गरीब मुल्कों को एचआईवी एड्स की दवा प्रोवाइड कराई। इसके लिए इनको कई अवार्ड दिए गए। सिप्ला दवा बनाने की फील्ड में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इनकी कुल दौलत है 16,200 करोड़ इंडियन रुपीज़। नंबर 2, एमए यूसुफ अली। ये यूएई बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन हैं। ये इंडिया के 2रे सबसे अमीर मुस्लिम हैं। ये लूलू ग्रुप इंटरनेशनल के मालिक हैं। अगर कोई गल्फ में रहता है तो लूलू को ज़रूर जानता होगा। इनके पूरी दुनिया में शॉपिंग मॉल्स और होटल्स हैं। इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल इन्हीं का है। इनके पूरी दुनिया में 210 स्टोर्स और हाइपर मार्केट्स हैं। इनकी कुल दौलत 42,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ है और ये अरब में कारोबार करने वाले इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं। नंबर 1, अजीम हाशिम प्रेम जी। ये इंडिया के सबसे अमीर मुस्लिम हैं। इनकी कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। ये एक आईटी कंपनी है। इनकी पैदाइश 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुई। इनका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इनकी कंपनी कंप्यूटर इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और ये इसके अलावा इलेक्ट्रिक आइटम्स, साबुन, कुकिंग ऑयल, कॉस्मेटिक आइटम्स, परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं। ये 4 साल तक इंडिया के सबसे अमीर आदमी रहे। फिर इन्होंने अपनी आधी दौलत चैरिटी में दे दी। फिर भी ये 9 साल तक इंडिया में 2रे सबसे अमीर आदमी रहे। फिर 2020 में इन्होंने 55,000 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिया। सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाले ये इंडियन हैं। इस वक्त ये डेली 27 करोड़ रुपए चैरिटी में देते हैं। इतनी चैरिटी करने के बाद भी इनकी कुल दौलत है इस वक्त 66,000 करोड़ इंडियन रुपीज़। इनका शुमार दुनिया के 100 सबसे ताकतवर लोगों में होता है। ये थे इंडिया के 6 सबसे अमीर मुस्लिम। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उनको शुमार किया है जिनकी दौलत बिलियन डॉलर्स में है। यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।